नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 5.85 रुपीज़ पे। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पर, वहाँ पर हम चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -95.64%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -95.64%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 192.50%। पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ये लगभग दुगना हो चुका है। ईयर टू डेट जो रिटर्न दिया है वो दिया है 83.96%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 59.84%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 95.65%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 19.14% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.84%। दोस्तों, हम आगे स्क्रीन वेबसाइट पे और यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज एंगेज इन प्राइमरीली इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो कंपनी है मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेसिकली जो काम, जो धंधा, जो व्यापार करती है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती है और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। मैं ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। तो इसकी वेबसाइट है मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, फॉर्मली नोन एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका जो पहले का नाम था कंपनी का पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, जो कि बदल के अभी मैस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया है। तो दोस्तों, वेबसाइट पे कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप आके चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को वापस ले चलता हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे। इसकी जो मार्केट कैप है वो 11.6 करोड़ की है। इसका जो करंट प्राइस है 5.85 रुपीज़ का, 52 वीक जो हाई है 5.85 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 1.63 रुपीज़ का है। जो बुक वैल्यू है 16.7 की है। तो इसकी जो ROC है -1.35% की है, इसकी जो ROE है -1.65% की है, इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरा चार्ट है मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी है रेजिडेंट, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.35 टाइम्स इस बुक को, स्टॉक अभी जो ट्रेड हो रहा है 0.35 टाइम्स बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। कौन से चेक करते हैं, कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है लो है। प्रमोटर होल्डिंग है जो, प्रमोटर की होल्डिंग कम है 15.60% की है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -1% फॉर लास्ट 3 पिछले 3 सालों में कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कम रहा है, -1% करा। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 3.84 करोड़, कंपनी के ऊपर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है 3.84 करोड़ की। पीयर कंपनी चेक करते हैं सेक्टर, ये कंपनी जो बेसिकली काम करती है ट्रेडिंग के सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है ट्रेडिंग की, जो नंबर वन कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, देन रिटेन इंडिया है, सुवर इंडस्ट्री, देन एगिस लॉजिस्टिक्स है, देन MMTC है, उसके बाद कार्टेक है, देन PTC इंडिया है, एंड नंबर 8 पे मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसे क्वार्टरली जस्ट चेक करते हैं, सेप्टेम्बर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 0.03 करोड़ की, और जून 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है -0.06 करोड़ की। अभी लास्ट डेट में चेक करते हैं, मार्च 2012 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था -0 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट वो है -0.72 करोड़ की। डिजिटल चेक करते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ TS में 23%, स्टॉक प्राइस CAGR TS में -40%, 1 ईयर में 187%, रिटर्न ऑन इक्विटी
5 ईयर्स में -3%, 3 ईयर्स में -1%, लास्ट ईयर में -2%। वैलेंसी चेक करते हैं मार्च 2012 में, जो इसकी टोटल लाइबिलिटी थी वो थी 0.05 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो है 34.35 करोड़ की। कैश फ्लो चेक करते हैं मार्च 2012 में, जो इसका नेट कैश फ्लो था वो था 0.01 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो वो था 0.04 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं मार्च 2012 में, कोई जानकारी नहीं है। मार्च 2013 में जो इसका ROCE था वो था 0.93% का, और मार्च 2021 में जो इसकी ROCE है वो है -1.35% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं दिसंबर 2018 में, प्रमोटर्स पास जो थे शेयर थे 50.60% शेयर थे, सितंबर 2021 में प्रमोटर्स पास जो शेयर है 15.60% शेयर है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 84.40% शेयर थे, और सितंबर 2021 पब्लिक के पास जो शेयर है 84.40 शेयर है। यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। दोस्तों मैं डिटेल एनालिसिस किया मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है, किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।